स्वागत है आप सभी का नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के एक और नई वीडियो में। और जिन स्टूडेंट के लिए मैंने कल वीडियो बनाया था ईशान उदय स्कॉलरशिप में, जिन स्टूडेंट का यहाँ पे एप्लीकेशन को मार्क एज फैक्ट बता दिया गया है, मतलब कि आपका एप्लीकेशन जो है वो बेसिकली फेक हो चुका है, उन सभी स्टूडेंट के लिए एक लेटेस्ट अपडेट दी गई है। आप सभी स्टूडेंट को विद प्रॉपर स्क्रीनशॉट के थ्रू दिखाने की कोशिश करेंगे। हमारे स्टूडेंट भी गए थे जिन्होंने हमारी काफ़ी हेल्प करी और उन स्टूडेंट के कुछ स्क्रीनशॉट भी आए थे और उन स्टूडेंट से बात भी हुआ पर्टिकुलर, तो जो वहाँ से इनपुट निकल के आए हैं वही इनपुट आप सभी के तहत यहाँ पे पहुँचाने वाले हैं। जैसे कि आप सभी स्टूडेंट देख पा रहे होंगे, इस पर मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी, जैसे कि ईशान उदय स्कॉलरशिप जाने डुप्लीकेट एंड 12 बोर्ड एंड सेम पासिंग ईयर की जो इशू आ रही है कैसे सही होगा, वहाँ से जो हमारी मिनिस्ट्री के जो यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे रिस्पॉन्स आए हैं वो स्टूडेंट के थ्रू वो चीज़ें दिखाने वाले हैं। अब यार यहाँ पे लग सकता है कुछ स्टूडेंट कहेंगे कि ये वीडियो फेक है, तो भाई जिनको फेक लगेगी बिल्कुल आप वीडियो वॉच मत करिएगा, जिनको अच्छी लगे ऑथेंटिकेट लगे वही देखिएगा, क्योंकि यार देखो हम सबको तो सेटिस्फैक्शन दे नहीं सकते। हमारी कोशिश यही रहती है कि आपको जितनी भी वैल्यूएबल कंटेंट दे, अब आपको मैं प्रूफ दूँ और हर चीज़ दूँ ये पॉसिबल नहीं है। तो जो भी स्टूडेंट यहाँ पे अगर आपको थोड़ा सा भी लगे, अगर आपको ट्रस्ट है, अगर आपको पहले से लगता है कि हाँ ये ऑथेंटिकेट वीडियो मैं प्रोवाइड करता हूँ, तो आप जरूर इस वीडियो को देखिएगा। और ये बिल्कुल फैक्ट जानकारी है, क्योंकि लास्ट ईयर इसी स्टूडेंट ने मुझे, जो स्टूडेंट का मैं इस चीज़ दिखाऊंगा वही स्टूडेंट इन्होंने मुझे बताया था जो लेटेस्ट अपडेट था, इस बार भी इन्होंने ऑफिस गया था और इनके द्वारा जो भी जानकारी दी गई वो जानकारी आपको मैं यहाँ पे प्रोवाइड करूंगा। और हालांकि इनसे बात भी हुआ है मुझे व्हाट्सएप पे, तो इनका कुछ स्क्रीनशॉट भी पड़ा हुआ है। जैसे कि सबसे पहले बता दूं कि यूजीसी दिल्ली ऑफिस का एक हमारे जो सर थे जिनका नाम था यहाँ पे इंद्रजीत सर, राइट, आपने जो जानते होंगे उनको, और जिन्होंने आपका फॉर्म वेरीफाई किया था। तो जैसे ही इनको मैंने मेल किया, हालांकि अभी इनका लेटर पैड पे इन्हीं का नाम चल रहा है और इनका एनएसपी के साइट पे इन्हीं का नाम चल रहा है, तो इन्होंने बोला कि मैं रिटायर हो चुका हूँ। आप देख सकते हो कि स्क्रीनशॉट यहाँ पे व्हाट्सएप का चैट है, तो इन्होंने बोला कि मैं अभी रिटायर हो चुका हूँ। और इन्होंने कोई यहाँ पे दीपक वत्स जो कि ज्वाइंट सेक्रेटरी अभी करंट में है, उनका इन्होंने टोल फ्री नंबर दिया और यहाँ पे आप कॉल करके पता कर सकते हो। और पहली बार मैं आपको यहाँ पे ये टोल फ्री नंबर यहाँ पे आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, हालांकि ये देने की यहाँ पे कोई वो नहीं रहता, वेबसाइट से ढूंढ सकते हो, बट आई थिंक ये वाली टोल फ्री आपको नंबर नहीं मिलेगी। तो आप जितनी जल्दी हो सके इस नंबर पे कॉल करके अपनी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। बट कैसे सॉर्ट आउट होगा, इनके द्वारा क्या बताया गया था, वो चीज़ें यहाँ पे हम नेक्स्ट स्लाइड में जानेंगे। तो ये आप स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं, यूजीसी के जो नोडल ऑफिसर पहले के थे जो अभी भी करंट में है, जिनका नाम तो चल रहा है बट अभी पूरी तरीके से ये नहीं है, अब धीरे धीरे ये रिटायर हो गए हैं और अभी एक नया यहाँ पे यूजीसी के मिनिस्ट्री आया है जो कि दीपक वत्स, अभी वेबसाइट पे तो अभी इंद्रजीत सर का ही नेम आएगा लेकिन दीपक वत्स सर जो कि ज्वाइंट सेक्रेटरी है यूजीसी यूनिवर्सिटी, अब ग्रांट कमीशन के उनके तहत ये सारी चीजें डिस्ट्रीब्यूशन का वर्क हो रहा है। आप देख सकते हो कि स्टूडेंट हमारे गए थे जिनका नाम स्टूडेंट एट द रेट यूजीसी हेल्प के नेम से हमने सेव किया हुआ था, और इस बंदे ने गया था और यहाँ से इनको जानकारी मिली और ये मैम गई थी और ये मैम के थ्रू मुझे जानकारी मिली। मैंने पूछा तो इनके थ्रू यहाँ पे बताया गया कि जो स्टूडेंट का, जिनका आसाम के स्टूडेंट है, पहले लास्ट ईयर क्या हुआ था, जितने भी साइबर कैफे थे ना, आप सभी को पता है कि यूजीसी जो कि बेसिकली जितने भी स्टूडेंट हमारे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के होते हैं वही बेसिकली अप्लाई करते हैं। तो अब क्या हुआ, साइबर कैफे क्या करते थे, इनके डॉक्यूमेंट्स को, फर्जी डॉक्यूमेंट्स को ले लेते थे, जो स्टूडेंट एलिजिबल भी नहीं होता था फिर उनका क्या फर्जी डॉक्यूमेंट्स बना के और काफी ज्यादा यहाँ पे स्कॉलरशिप के थ्रू स्कैम करते थे। हालांकि ये जो रिपोर्ट मैं बोल रहा हूँ ना, लास्ट ईयर की बता रहा हूँ और अभी भी इसी ट्रेंड को फॉलो किया जा रहा था। ऐसे में मिनिस्ट्री ने क्या किया कि जितने भी स्टूडेंट का यहाँ पे फॉर्म था डुप्लीकेट रोल नंबर करके यहाँ पे फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया। बहुत सारे स्टूडेंट अपने रोल कोड नहीं फिल किए हुए थे, डायरेक्ट अपना रोल नंबर फिल किए हुए थे डायरेक्ट, तो इसलिए उनका फॉर्म को यहां पे पूरी तरीके से यहां पे रिजेक्ट कर दिया गया। अब मसला ये आता है कि दोस्तों क्या इनका फॉर्म वेरीफाई होगा, तो यार एक मीटिंग चल रही है इस पे एक मीटिंग यहाँ पे रखी गई है और ये मीटिंग जैसे ही सक्सेसफुल होता है तो मे बी कि अगर हो सकता है कि पॉजिटिव रिस्पांस है। बट हाँ, एक और आप काम कर सकते हो जो कि स्टूडेंट ने मुझे बताया, बड़ी अच्छी बात इनकी लगी, आप क्या कर सकते हो यहाँ पे अपने जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है जो कॉलेज से वेरीफाइड है, आप सभी को पता होगा कि एक आप फोटोकॉपी रखते थे अपने पास, मैंने बताया था हर एक वीडियो में बताता हूँ, एक आप एनएसपी को प्रोवाइड करते थे और एक आप कार्यालय में जमा करते थे, तो जो आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है ना उस डॉक्यूमेंट्स को आपको मेल करना है इनके यूजीसी के जो हेल्प डेस्क में scholarship-UGC@ जो कि मैंने कल मेल बताया था, अगर नहीं मिले तो कल वाली वीडियो देख लेना, ठीक है, या फिर आप बता देना मैं पिन कर दूंगा कमेंट सेक्शन में। तो यहाँ पे आप इस मेल पे आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स विद प्रॉपर
एफिडेविट, एक नाम आता है एफिडेविट, एफिडेविट के थ्रू आप यहाँ पे अगर सबमिट करोगे तो हो सकता है। और जिन स्टूडेंट का एप्लीकेशन फाइनल वेरीफाइड हो चुका है उनका 1 वीक के अंदर उनका स्टेटस चेंज होने की संभावना है, स्टेटस चेंज होने के कागार पे यहाँ पे है, क्योंकि जो स्टूडेंट के द्वारा इनपुट मिले हैं वही चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। मतलब कि आप सभी स्टूडेंट का जिनका रोल कोड का प्रॉब्लम है, हो सकता है कि थोड़ा सा भी चांसेस दिख रहे हैं कि यहाँ पे हो जाए, लेकिन बल्क ऑफ द स्टूडेंट यहाँ पे उम्मीद न रखें। आप सभी स्टूडेंट से यही रिक्वेस्ट है, बल्क में आप मैसेज करेंगे, मतलब ईमेल करेंगे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ विद प्रॉपर एफिडेविट के साथ, तो हो सकता है हो जाए। बट अगर कोई स्टूडेंट दिल्ली में है तो आप UGC ऑफिस बहादुर शाह जफर मार्ग पे जाके विजिट कर सकते हो। अभी इनके ऑफिस भी चेंज हो गया, जो स्टूडेंट से बात हुआ है इनकी कार्यालय को अभी चेंज कर दिया गया, जो नेट पे दिख रहा है वहाँ पे अवेलेबल नहीं है, उससे थोड़ी दूर जाना पड़ता है आपको। लेकिन जो स्टूडेंट की तरफ से जो ऑथेंटिकेट जानकारी मिली है वो चीज़ें आपको मैं शेयर कर देता हूँ। सबसे बड़ी चीज़ ये नंबर है दोस्तों, इस नंबर को सेव कर लीजिए, इस पर कॉल करिए। हो सकता है कि कॉल ना उठाएं, बट आप ट्राई टू ट्राई मल्टीपल टाइम, हो सकता है कि आप ट्राई करिए। और ये जो नंबर है ये व्हाट्सअप नंबर है, ये मैं तो शेयर बिल्कुल भी नहीं कर सकता, क्योंकि यार देखो बहुत ये चीज़ें हमें मिली थी। और इसका भी एक आपको पता है कि सबका एक KRA होता है, एक टर्म एंड कंडीशन होता है, तो इससे कोई फ़ायदा भी नहीं है, क्योंकि ये सर रिटायर हो गया, लेकिन उन्होंने कहा कि आपकी बात को हम आगे रखेंगे। ठीक है, आपको क्या करना है, इस नंबर पे कॉल करना है, और जो चीज़ें ये स्टूडेंट हमारी बताई हैं, ये मैम ने जो बताई हैं, इनको क्या करना है, इनका जो भी स्टेटमेंट इन्होंने बताया कि आपको मेल करना है, जो इनको बताया गया वो चीज़ आप यहाँ पे जरूर फॉलो करिएगा, पॉजिटिव रिस्पांस देखने को मिलेगा। वीडियो को अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। ऐसे ऑथेंटिकेट जानकारी के लिए आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और भी डाउट रहे तो कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो को जरूर शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को पता चले, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट मेल कर सके। वीडियो देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू।